प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय सहकारी महासंघ का किया उद्घाटन। NCUI हार्ट पोर्टल भी किया लॉन्च। कहा सरकार और सहकार मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को देंगे दोगुनी मजबूती। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल में की राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत। शहडोल के बकरिया गांव में ग्रामीणों से किया संवाद। राज्य के 3,57,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की भी की शुरुआत। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में भीषण सड़क हादसा। एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत, 2 यात्री घायल। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के बालटाल और पहलगाम मार्ग से हुई शुरू। 62 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार GST को लागू हुए 6 साल हुए पूरे। 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद सरकार का बढ़ा राजस्व, टैक्स की चोरी रोकने में भी मिली मदद। संसद का मॉनसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 11 अगस्त तक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में होगी कुल 17 बैठकें। भारत की G20 अध्यक्षता में आज सूरत में बिजनेस 20 की बैठक। केंद्रीय पोत पतन व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने उद्घाटन सत्र में लिया हिस्सा। बैंकिंग, कपड़ा, वित्त और हीरे के कारोबार से जुड़े G20 देशों के करीब 200 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC का आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड में विलय आज से हुआ प्रभावी। बाजार मूल्य के हिसाब से HDFC बैंक बना दुनिया का 4th सबसे बड़ा बैंक। भारत के स्टार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचा एक और कीर्तिमान। डायमंड लीग श्रृंखला के लोसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.66 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब। भारत का आज बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान से मुकाबला। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीतने में रही है कामयाब।